पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर के असालतपुरा में स्लॉटर हाउस खोलने का मुद्दा गर्मा गया। वर्षों से बंद पड़े पशु वधशाला को लेकर गोश्त कारोबारी सड़क पर उतरे हैं। जुलूस निकाला और नगर निगम दफ्तर पर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे तक जगह नहीं मिली तो वे उसी जगह पर पशु काटना शुरू कर देंगे। शहर के बीच असालतपुरा में 5 साल पहले स्लॉटर हाउस बंद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर ताला लगाया गया। स्लॉटर हाउस ना खुलने पर शुक्रवार को कारोबारियों ने विरोध जताया। असालतपुरा से कारोबारियों ने जुलूस निकाला और निगम कार्यालय पर प्रदर्शन कर हंगामा किया। उन्होंने निगम पर हीला हवाली का आरोप लगाया और कहा कि कारोबार के लिए उन्हें जगह मिली, जगह ना मिली तो बंद जगह से ही अपना कारोबार शुरू कर देंगे। उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है। 6 साल पूर्व गुजर गए, स्लॉटर हाउस नहीं बना के इससे ज्यादा नाकारा मेयर और बोर्ड नहीं हो सकता। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जी उड़ा दी और प्रधानमंत्री जहाँ देश के अंदर सफाई व्यवस्था के अभियान को स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, उसकी हवा इस नगर निगम ने निकाल दी। तो ये सफाई स्वच्छ भारत की जो सपना और ख्वाब था प्रधानमंत्री का, इन्होंने हवा निकाली। प्रॉब्लम यह है कि नगर निगम को इन्हें हाथा देना, हाथा कौन बनाकर देगा? जो लाइसेंस निरस्त हुआ है उनकी NAC पावर तो ये देंगे। आज 40,000-50,000 रुपये फी दुकान से लाइसेंस मांग रहे हैं। तो आज की तारीख सिर्फ यह है कि जो हाथा सीज किया गया था, क्योंकि स्थान तो हर चीज का होना चाहिए भाई, स्थान अगर नहीं होगा तो काटेंगे कहाँ पर? ये हमारे बच्चे स्कूल जाने से बैठे हुए हैं, कोई हमारा कारोबार बिल्कुल बंद कर दिया नगर निगम ने, कोई सुनवाई नहीं हमारी और पुलिस आती और हमें आके दिक्कत कर दी, पैसे भी लेती हैं और परेशान भी करती हैं। क्या काम है तो ये गोश्त का काम है हमारा, मीट का काम है हमारा, तो ये कटरे का काम है हमारा, गाय का या बैल का काम खोलिए, इसे भी अवैध कर रखा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।